नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए मां भारती के वीर सपूतों को नमन किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि वीर जवानों की शहादत हम सभी देशवासियों को मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों पर नशों की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए शुरुआत की गई निर्णायक जंग अब 8वें महीने में दाखिल हो गई है। इसी कड़ी में पंजाब पुलिस ने 5 जुलाई 2022 से अब तक 915 व्यापारिक मामलों समेत 7,999 FIR दर्ज करके 1,540 बड़े तस्करों सहित 10,576 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि पुलिस टीमों ने राज्य भर में नशा प्रभावित इलाकों और संवेदनशील रूटों पर नाकेबंदी और तलाशी मुहिम चलाकर 529 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। इस समय के दौरान जी सब तो वह FIR फिरोजपुर जिले के 624 FIR दर्ज हुई है ड्रग्स के खिलाफ। अमृतसर कमिश्नरेट 596 FIR दर्ज हुई हैं। पटियाला 482 FIR दर्ज हुई हैं। कमर्शियल क्वांटिटी दे विच सब तो वध FIR पटियाला 79 FIR दर्ज हुई हैं। लुधियाना कमिश्नरेट 56 FIR दर्ज हुई हैं। STF SAS नगर 53 FIR इस समय के दौरान दर्ज हुई हैं। मीडियम क्वांटिटी दे विच सब तो वध फिरोजपुर 582 FIR, अमृतसर कमिश्नरेट 512 FIR, पटियाला 355 FIR दर्ज हुई हैं। इस समय के दौरान काफ़ी वड्डी मात्रा के ड्रग्स फड़े गए, जिदे हैरोइन की जी टोटल रिकवरी है वो 677 किलोग्राम की रिकवरी है, जिदे 529 किलोग्राम जी वो पंजाब के अंदरों फड़ी गई है। 147.5 किलोग्राम जी वो गुजरात तो महाराष्ट्र के सी पोर्ट्स तो पंजाब पुलिस की इंटरफेरेंस के नाल, पंजाब पुलिस की एक्टिविटीज के नाल फड़ी गई है। 423 किलो ओपीएम फड़ी गई है। 255 क्विंटल यानी कि 25,548 किलोग्राम जोड़ा है वो पॉपी हस्क की रिकवरी की गई है। 2 किलो 46 ग्राम जोड़ा वा वो सुल्फा जोड़ा है रिकवर किया गया और 51,39,882 जोड़े ने मेडिकल ड्रग्स जिद इंजैक्शनस टैबलेट्स सिरप्स जोड़े ने इलीगल वो सारे आते हैं, वो रिकवरी इस समय के दौरान हुई है और बहुत वड्डी मात्रा दे विच ड्रग मनी की रिकवरी की गई है, जिहड़ी करीब 10 करोड़ के आसपास ड्रग मनी की रिकवरी 7 महीने हुई है। 1987 जिहड़े ने वहीकल्स जिहड़े ड्रग्स के केस। वहीं आगरा जिले में बजरंग वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का जमकर विरोध किया। हिंदूवादियों ने आगरा कॉलेज से राजा मंडी तक वैलेंटाइन डे के विरोध में जुलूस निकाला और वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, विदेशी सभ्यता नहीं चलेगी जैसे जमकर नारे लगाए। राजा मंडी पहुंचने के बाद हिंदूवादियों ने वैलेंटाइन डे के बनाए हुए पुतले को आग के हवाले कर दिया। बजरंग वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह गिल ने कहा कि ये विदेशी सभ्यता है, वैलेंटाइन डे कौन था क्या था ये हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता को भारत में लाया गया और एक साजिश के तहत सभी युवाओं को पश्चिमी सभ्यता में रमाए जाने की कोशिश की जा रही है। ये हमने सभ्यता विदेशी सभ्यता वेस्टर्न सभ्यता जो वैलेंटाइन है नहीं है कोई, वो जन्म का हुआ कुछ बताइए। जिस प्रकार से हर हर साल की सार की वैलेंटाइन डे, रोज डे, फूल डे, किड डे, जो हरकती हरकत ये खास तौर पर फरवरी में 7 तारीख से लेकर 14 तारीख होता है वो गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। पिछली बार भी सरकार से हमने कहा था, कानून से कहा था, पुलिस से कहा था, देख कीजिए हमने इसके लिए ज्ञापन दिया है कि सरकार और प्रशासन और जो पार्कों के अंदर जो ऐसी हरकत है उनको रोका जाए, अन्यथा बजरंग वाहिनी कार्यकर्ता जाएंगे वहां, जो भी मिलेंगे उनकी माओ को बुला के उनके सुपुर्द किया जाएगा। वहीं बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के साहुलवाला वन रेंज में आग लगने से किसानों का 35 बीघा गन्ना जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया, लेकिन अब जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा है।
खबर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से है, जहां सिकंदराबाद क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देख मौके पर लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक इस आग में एक बुजुर्ग महिला के झुलसने की वजह से मौत हो गई। बजे स्कूल से आई, 5:26 पे आंटी का सामने से फोन किया, बेटा तुम्हारी मम्मी नहीं निकल रही है, काम वाली खटखटा रही है। मैं आ गई हूँ 5:49 पे, यहाँ पे आ गई हूँ, खटखटाया है, कोई चिंगारी, कोई धुआं, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं थी। हमने सोचा कि मम्मी अंदर होंगी। मैंने इनको ताले वाले को लेने भेजा सिकंदरा चौराहे पे, ताले वाले को लेने गए हैं, 10-15 मिनट में मुझे यहाँ से आग लगती हुई, काम वाली को, आंटी को, सबको धुआं का दिखाई दिया। सर इस रूम में मुझे पता, मम्मी इस रूम में सोती है, मुझे लगा ये आग लग रही है। ऐसा हुआ भैया, मैं सुबह 9 बजे यहाँ से, ये मेरा ड्राइवर है, इसके साथ मैं निकल गया हूँ, पत्नी को यहाँ छोड़ा है, उन्होंने चाय बना के भी दी है, फिर उन्होंने सब्जी काटी थी बैंगन की, तो मैं कि अब खाना मत बना, शाम को आ खा लो, मैं वहीं खा लूंगा, फार्म पे बनाता है स्टफ। तो वहां से जब मैं आया हूँ, आया का हूँ मैं, वहां पहुंचा हूँ, पहुंचने के बाद में अपना खेती वेती पे आल वाल कट रही है और वहाँ मकान भी बन रहा है। कितने बजे निकले थे यहाँ से? 9 बजे, सुबह 9 बजे, और 9 बजे के बाद में फिर यहाँ फोन पहुंचा मेरे पास बेटी का, करीबन 5:45 बजे, 5:30। मैंने ये तो टाइम देखा नहीं, 5 के बाद ही की बात है। तो फिर वहां से मैं चल दिया उसे लेके, ऐसे ऐसे फिर इनसे बात हुई है कि ये अंदर से कुंडी नहीं खोल रही है। मैंने कहा ऐसा बेटा, वो चद्दर है, उससे खटखटाना, यहाँ बैल बजाने दवाई खा के सो गई होंगी, डिप्रेशन की तो मरीज थी। भैया घटना तो शाम को आग लगी है ना, क्या लग रहा है? 5:49 बजे। नहीं नहीं लगाएगा कौन, बता दो, इधर से लोग है, इधर से कुंडी बंद है। बिजनौर के एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने कांवड़ यात्रा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोटा महादेव मंदिर पर पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त किया और थाना नजीबाबाद क्षेत्र के ढाली काली माता के मंदिर पर कांवड़ यात्रा के दौरान गुजरने वाले शिव भक्तों का हाल चाल जाना, शिव भक्तों की परेशानी सुनी। उसके बाद एसपी ने खुद अपने हाथों से मंदिर परिसर में शिव भक्तों को प्रसाद वितरित किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद भी मौजूद रहे। खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से है, जहां वन मंडल पश्चिम भानु प्रतापपुर के वन परिक्षेत्र परोलकोट के ग्राम मरोड़ा से महाराष्ट्र सीमा तक वन विभाग की ओर से चैन लिंकिंग फेंसिंग का काम शुरू किया जा रहा है। तार फेंसिंग कार्य में लाल ईंटों का उपयोग किया जा रहा है, जबकि लाल ईंटों का उपयोग छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से बंद है। 3 साल पहले ही ऐसे के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया था, फिर भी वन परिक्षेत्र परलकोट पश्चिम में ग्राम मरोड़ा से लेकर महाराष्ट्र सीमा तक वन की सुरक्षा के लिए कराए जा रहे चैन लिंकिंग फेंसिंग में प्रतिबंधित लाल ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में जब वन मंडल अधिकारी शशिगा नंद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जहां तक लाल ईंटों से काम हुआ है उसे बंद करवाया जा रहा है, आगे का काम फ्लाई ऐश ईंट से कराया जाएगा, जहां तक घटिया निर्माण की बात है इसकी जाँच कराई जाएगी। वन विभाग का काम कर रहे हैं, मिस्त्री है आप? मिस्त्री। तो ये फाउंडेशन का खुदाई ऐसे कर रहे हैं? फाउंडेशन खुदाई पहले इसमें जोंडिया से करवाया गया था, जहाज जहाँ नहीं हुआ वहाँ से फावड़ा से कर रहे हैं। और ये जो लालिटा लगा रहे हैं इसके जो विभाग से दे रहे हैं हम लोग वही काम कर रहे हैं। कितना रुपये में काम कर रहे हैं आप लोग? 500 रुपये। और खबर जांजगीर चांपा से है, जहां से रीना जहाँ शिवरी नारायण मेला में नगर पंचायत के सामने एक व्यक्ति ने स्प्रिंग रुमा चाकू निकालकर मेला देखने आए लोगों को डराया धमकाया, जिस पर तत्काल मेला पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि युवक का नाम साहिल है और वो सारंगगढ़ जिले के बिलाईगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
श्रद्धा वालकर हत्या के बाद महाराष्ट्र सरकार के लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के विरोध में उतरे विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर हमला किया। वालकर के हत्या के मामले में श्रीमान उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार की लापरवाही सारा देश जानता है और इस प्रकार के मामले रोके जाए, लव जिहाद के नाम पर किसी भी लड़की को जानबूझकर फंसाना, उसकी हत्या करना, उसका जीवन बर्बाद करना, ये सारी बातें रोकी जाए। इस कारण महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार ने कुछ कानून में प्रावधान करने का प्रयास किया कि यदि ऐसी किसी लड़की को कोई जबरन फंसा रहा है तो उस वही बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा कि बस्तर में टीबी मुक्त बस्तर अभियान संचालित किया जा रहा है। ऐसे लोग जो टीबी रोग से पीड़ित हैं, सभी समाज के लोगों से निवेदन है उन्हें उनके साथ भाईचारे के साथ मिलकर इस अभियान को चलाना है। कलेक्टर ने लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि बिना इस सामुदायिक सहयोग के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर आप योगदान करेंगे और इस कार्यक्रम में योगदान करना चाहते हैं तो अपने बस्तर को टीबी मुक्त करना चाहते हैं तो आप इस अभियान में निश्चित तौर पर टीबी मित्र बन सकते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा टीबी मुक्त बस्तर अभियान का संचालन किया जा रहा है और इसके तहत डोर टू डोर सघन रूप से जांच अभियान करके ऐसे लोग जो टीबी से पीड़ित हैं उनका चिन्हांकन करना, उनका इलाज करना और उनको फॉलोअप करना, ये हमारे टास्क है। अभी हमारा एक SOP है और इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में मैं आप लोग सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सभी जितने भी हमारे समाज के लोग हैं आप हमारा सहयोग करिए, क्योंकि बिना हमारे सामुदायिक सहयोग के इस कार्यक्रम को आगे नहीं लिया जा सकता। आप लोग को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अगर आप अपना योगदान इस कार्यक्रम के लिए करना चाहते हैं, अपने बस्तर को टीबी मुक्त करना चाहते हैं तो आप इसमें निश्चित तौर पर एक टीबी मित्र बोलते हैं या निश्चय मित्र बोलते हैं आप वो बन सकते हैं। और ऐसे जितने भी लोग जो जिनको चिन्हांकित किया जा रहा है उनको एडिशनल डाइट के लिए, एडिशनल न्यूट्रिशन के लिए, अतिरिक्त पोषण आहार के लिए जो राशि की आवश्यकता है वो राशि आप रेड क्रॉस में आप योगदान दे सकते हैं और जो भी राशि आप योगदान दीजिएगा वो इनकम टैक्स के तहत 80C की धारा के तहत उसमें छूट की प्राप्ति रहेगी। मेरा आप लोगों से ये विनम्र अनुरोध है कि बड़ी संख्या में आकर टीबी मुक्त बस्तर अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आए कि ताकि आगामी वर्ष में जब हम नए वर्ष की ओर जा रहे होंगे और पीछे वर्ष की ओर मुड़कर देखें तो हम ये कह सकें कि हमने अगर किसी को बाय बाय किया है तो वो हमने बस्तर से टीबी को कर दिया है, ऐसा मेरा आप लोग। मुंबई की वसई मानिकपुर पुलिस ने सावेद जाफर सिद्दीकी नाम के एक युवक को अपनी कार के बोनट में ट्रैफिक हवलदार को 1 किलोमीटर घसीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक ने रविवार को वसई पश्चिम के एक सिग्नल से खड़े हवलदार को उस समय टक्कर मारकर अपनी गाड़ी के साथ घसीट कर ले गया जब हवलदार सोमनाथ चौधरी ने सिग्नल तोड़ने के बाद उसे रोकने की कोशिश की। मानिकपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 307, 308, 353 और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। उसको दो बार उसको इशारा किया तो भी उसने जानबूझकर जान से मारने की तरफ से उन्होंने गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाया। उन्होंने अपना खुद का प्रसन्नतम रख के सेफ्टी के लिए उन्होंने बोनेट पकड़ा और वो चालक ने गाड़ी रुकाया नहीं, सीधा उनको वसनगर सिग्नल से गोखियों रेंज नाका तक उसको फरफटर लेके गए। मीन टाइम जो प्राइवेट सिक्योरिटी हमारा जो ट्रैफिक के लिए हेल्प करते हैं वो लोग गोखियों सिग्नल के जो पुलिस हवलदार थे बाद में रेंज नाका गए, काफ़ी लोगों ने उसको उसका फॉलोअप करते उसको रुकाया, रुकाने की कोशिश किया कि उसको इशारा किया कि तुम गाड़ी रुको हमारा हवलदार बॉनेट के ऊपर है तो भी उन्होंने रुकाया नहीं गाड़ी, उसने गाड़ी भरदाव स्पीड से चलाया। मीन टाइम जो ट्रैफिक जो बाकी जो लोग जा रहे थे रोड से वो लोगों ने भी उसको कोशिश किया उसको रुकाने का लेकिन उसने ध्यान दिया नहीं। आखिरी में रेंज नाका पे हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है, पब्लिक के जो व्हीकल चालक थे उन्होंने उसको गाड़ी बीच में रोक के उसको गाड़ी रुकाया और उसको फिर पुलिस ने उसको ताबे में लिया है। और वो ये आदमी ने एक सरकारी गणवेश में जो हमारा पुलिस काम कर रहा है उसका इशारा नहीं माना, सिग्नल जम किया, उसके पास लाइसेंस नहीं है। मुंबई के एक मॉल में दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई है जहां बोरीवली इलाके के
में 13 फरवरी को एक मॉल में लाखों रुपए के सामान से भरे बैग पर चोरों के गिरोह ने हाथ साफ कर दिया। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। मुंबई में टैंकरों के मालिक ने बिना सरकार को पूर्व सूचना दिए अचानक लोगों को पानी की आपूर्ति बंद कर दी। इससे जिन इलाकों में टैंकर से पानी की आपूर्ति की जाती थी वहां लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में लोगों को पानी पीने के लिए परेशान करना ठीक नहीं है। सरकार इन टैंकर मालिकों से उनकी समस्याओं के संबंध में चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। ये बात कही है पालक मंत्री लोढ़ा ने। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ टेलीफोन पर इस दौरान उन्होंने चर्चा भी की। इस चर्चा में टैंकर मालिकों के मुद्दे को लेकर पालक मंत्री की प्रमुख उपस्थिति में मंत्रालय में बैठक करने का निर्णय भी लिया गया है। टैंकर एसोसिएशन ने अनाधिकृत रूपाने विदाउट एनी प्रायर नोटिस ते सर्व टैंकरची सप्लाई बंद केली आहे। लोकांने फार मोठा त्रास मुंबई शहरांमध्ये झालेला आहे। तर मी त्यासाठी महानगरपालिकेचे अधिकारी दोघेही कलेक्टर त्याची मी सर्व अधिकाऱ्यांची मीटिंग बोलवली होती। त्यामध्ये पण ते टँकर असोसिएशनचे लोकांनी फॉर्मवर बोलणं झाला आणि त्यांना मी सांगितलं आहे मी की तुम्ही लगेच स्ट्राईक परत घ्या आणि ते जे काही तुमचा मुद्दा आहे ते आपण बसून उद्या सकाळी 10 वाजता फायनल मीटिंग त्यावर होणार आहे। वहीं मुंबई की कांदीवली पुलिस ने एक पॉस्को केस के वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पिछले 1.5 साल से वांटेड चल रहा था। कांदीवली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मीरा भयंदर के पेल्लार पुलिस स्टेशन से करीब 1.5 साल पहले एक नाबालिग लड़की के शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और तभी से ये आरोपी वांटेड था। पकड़े गए आरोपी पर नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उस पर अत्याचार करने का आरोप लगा है। मीरा भयंदर आलोक त्यागाच्या अंतर्गत पेल्लार पुलिस स्टेशन आहे। 1.5 वर्षापूर्वी तिथे 56/22 एक रेपचा गुन्हा दाखल होता, पोक्सो होता त्याच्यामध्ये। सदरचा आरोपी हा कांदिवलीमध्ये कांदिवली बोरिवली ह्या एरियामध्ये असल्याबाबतची गुप्त माहिती त्यांना गुप्त माहिती मिळाली होती। त्याप्रमाणे पेल्लार पोलीस स्टेशनची काही अधिकारी अंमलदार इथे पोलीस कांदिवलीला आले होते। त्यांना पोलीस मदत देण्यात आली होती आणि आपल्या कांदिवलीचा गणेशनगर भाग हा त्यांनी शोधून काढला होता। परंतु त्या दिवशी त्यांना कुठल्याही प्रकारचं माहिती मिळाली नाही किंवा आरोपी मिळून आला नाही। फक्त त्याचं जर टेक्निकल जर तपास केल्यानंतर असं समजलं की सदरचा रिक्षाचालक हा आपल्याच एरियामध्ये म्हणजे कांदिवली बोरिवली चारको मलाड ह्या एरियामध्ये। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि शपथ ग्रहण समारोह शरद पवार की मंजूरी में हुआ। एनसीपी के राज्य के प्रमुख प्रवक्ता महेश चेचे ने देवेंद्र फडणवीस को जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से फेंकी गई गुगली नहीं बल्कि नो बाल है। साथ ही कहा कि सिंधे फडणवीस सरकार की संवैधानिक हैसियत अभी भी साबित नहीं हुई है, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आज एक नवीन गुगली सन्माननीय उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी टाकलेली आहे, परंतु त्यांची ही गुगली नसून हा नो बॉल आहे। पहाटेचा शपथविधी शरद पवार साहेबांच्या मान्यतेने झाला अशा प्रकारची ती गुगली होती, परंतु पवार साहेबांच्या वक्तव्यामुळे त्या गुगलीचा आता नो बॉल झालेला आहे। महाराष्ट्रातले शिंदे फडणवीसांचं सरकार ह्याचा संवैधानिक दर्जा अजून निश्चित होणे बाकी आहे। 14 तारखेनंतर सलग सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावण्या होणार आहेत, त्यातच महाराष्ट्राच्या राज्यपालाने विद्यमान सरकारला कुठलंच निमंत्रण दिलं नाही सरकार स्थापनेचा, हा देखील आरटीआयच्या माध्यमातून समोर आल्यानंतर मला असं वाटतं की विद्यमान सरकारच्या पायाखालची जमीन हळूहळू सरकत असल्यामुळे एक नवीन राजकीय वाद पेटवण्याच्या दृष्टिकोनातून एक नवीन राजकारणामध्ये गुगली टाकण्याचा प्रयत्न आज सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून झाला, परंतु ह्या गुगलीचा आता नो।
वहीं बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन और विधायक सुनील राणे की तरफ से आयोजित बोरीवली खेल महोत्सव का समापन रुस्त में हिंद दारा सिंह मैदान बोरीवली पश्चिम में कुश्ती के महामुकाबले के साथ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बोरीवली के विधायक सुनील राणे और प्रमुख पदाधिकारी के साथ भारतीय पहलवान नरसिंह यादव भी उपस्थित रहे। कुस्ती हा जो काही खेळ प्रकार आहे अतिशय पॉप्युलर आहे आणि त्याच्या कुस्त्या आज या ठिकाणी झाल्या आणि त्या कुस्त्यांमध्ये विशेषतः जी शेवटची कुस्ती झाली महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज पाटील आणि इराणचा जो पहलवान होता यांच्यामध्ये कुस्ती झाली आणि आमच्या महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराजने त्या ठिकाणी इराणच्या पहलवानाला चित केलं आणि कुस्ती या ठिकाणी जिंकली आणि महाराष्ट्राचं आणि देशाचं नाव मोठं केलं। बोरीवली खेल महोत्सव में आज हम सब ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनका स्वागत किया और आज की कुश्ती के दंगल में करीबन 150 पहलवानों ने हिस्सा लिया था। ईरान के नामी पहलवान और महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज पाटिल इनकी नंबर वन की इन्हें जिसको हम कहते हैं एक नंबर की कुश्ती हुई और उस कुश्ती में हमारे महाराष्ट्र के केसरी पृथ्वीराज पाटिल ने ईरान के पहलवान को हराया और असल मिट्टी की इस कुश्ती को सही मायने में महाराष्ट्र की धरती को एक बहुत बड़ा नाम जो जिस कुश्ती से मिला है उसका सही अर्थ हमारे महाराष्ट्र केसरी ने पूरे विश्व को दिखा दिया क्योंकि पहलवान जो सामने वाला था वो ईरान से आया था। बोरीवली खेल महोत्सव का आज का ये समारोह इसी महत्व के कुश्ती के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग बास्केटबॉल स्केटिंग और आर्चरी और राइफल शूटिंग यानी ये 5-6 खेलों का। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए अजीत पवार के साथ साथ लेने के पवार की सहमति भी थी। इसी सवाल के जवाब पर शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे लगता था कि देवेंद्र एक संस्कारी व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि वो झूठ का सहारा लेंगे और इस तरीके का बयान देंगे। उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया उन्हीं से जाकर पूछो। देवेंद्र मानूस है असत्याचा आधार घेऊन अशा प्रकारचे शैक्षणिक करतील असं मला कधी वाटलं नाही। मला असं की देवेंद्र हा एक सुसंस्कृत माणूस आहे सगळे माणूस आहे आणि असत्याचा आधार घेऊन अशा प्रकारचे शैक्षणिक करतील। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज़। नमस्कार।